गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डबलेट डायरी। तो इस बार हम आए हुए हैं बूंदी। तो हमने मुंबई से कल रात की ट्रेन ली थी कोटा के लिए। कोटा रेलवे स्टेशन से ऑटो लेके हम बस स्टैंड गए। ऑटो का हमें 100 रुपये किराया लगा। बस स्टैंड पहुँचते ही हमें स्टेट गवर्नमेंट की बस मिल गई, जिसका किराया 40 रुपीज़ था जेंट्स के लिए और 30 रुपीज़ लेडीज़ के लिए। और उस दिन रक्षाबंधन था तो लेडीज़ का टिकट फ्री था। कोटा से बूंदी पहुँचने में बस में करीबन 1 घंटा लगता है। और बूंदी पहुँचते ही हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ की फेमस कचौरी। क्या दिए कचौरी? फिर ऑटो लेके हम हमारे स्टे गए, जिसका किराया हमें 80 रुपये लगा ऑटो में, जो कि करीबन 1.5-2 किलोमीटर है। ये स्टे हमने booking.com से बुक किया है। इसके पहले जो हमने स्टे बुक किया था उसका किराया 3 दिन के लिए 800 रुपये था, बट वहाँ पे रिनोवेशन की वजह से हमारा बुकिंग कैंसिल हो गया। तो हमने सेकंड ऑप्शन इस होटल को बुक किया, जिसका किराया 1500 रुपये, मतलब 500 रुपये पर डे। इस होटल का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो चेक इन टाइम था 12 बजे, हम 12 बजे के बाद वहाँ पहुँचे, फिर भी हमको रूम टाइम पे नहीं मिला। हमको करीबन आधा घंटा वेट करना पड़ा, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट था। तो ये हमारा रूम है अगले 3 दिन के लिए। तो अब बस थोड़ा फ्रेश होके हम लोग बाहर निकलेंगे। इसका ये बहुत छोटा है लग रहा है बार बार। तो गाइस, अभी हम लंच करने आए हुए हैं। हमारा जो स्टे है वहीं पे एक होटल है, हम वहाँ पे लंच करने आए हैं। और फिर अभी बजा है 2:30 बजा है, 2:30 हुआ है, और अब निकलेंगे हम जो आसपास के जो भी साइट सीइंग। और ये हमने जो खाना खाया वहाँ से व्यू है। तो गाइस, अभी हम गए थे जो फोर्ट है बूंदी फोर्ट, वहाँ पे आज थोड़ा जल्दी बंद होगा वो, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो हम बस स्ट्रीट्स घूम रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा चाय आ चुका है, और ये व्यू है चाय का। ये दिस इज़ द व्यू चाय पीने के लिए। ये सेल्फी कैफे, यहाँ पे आइए चाय पीजिए। ये देखो बच्चा भी फोटोग्राफी कर रही है। तो गाइस, हम वहाँ खड़े होके व्यू एंजॉय कर रहे थे, एक जगह पे चाय पी रहे थे। तो वहाँ पे कुछ यहाँ के लोकल्स ने बोला कि आप थोड़ा सा ट्रैक कर लीजिए ऊपर, आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। और तो हम जा रहे हैं बस, और ये है ट्रेल। और विजय ट्रैक कर रही है, आपने देखा ही उसने क्या पहना है। शूज़ हाँ, मैंने भी शूज़ एक्चुअली स्नीकर ही पहने हैं, बट ये बहुत ही छोटा सा होगा। ये है मिड व्यू ट्रैक। Awesome. तो गाइस, पहुंच गए हम ऊपर। अब देखते हैं बनी हुई है भाई राजस्थान, और ऑलवेज रॉकिंग। सही में यार, बहुत तगड़ा व्यू है। बारिश हो रही है, तो अब बच नहीं पाया हम, इतना टाइम ही नहीं मिला, इतना तेज़ हो गया इंटेंसिटी। बस अब गीले हो ही गए हैं, तो बस अभी सोच रहे हैं यहाँ से उतरते हैं पहले नीचे, जो हम थोड़ा सा ट्रैक करके आए, फिर चेंज वेंज करके फिर डिनर के लिए निकलेंगे। और रात को हम क्रिकेट गेम भी देखेंगे, डाउनलोड करके रखा है मैंने नेटफ्लिक्स पे। अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा ये पॉइंट। आज हम सोच रहे थे क्या करें क्या करें, सब चीज़ें बंद हो रही थी ऑलमोस्ट, बट फाइनली व्यू बहुत अच्छा व्यू है। तो खाना आ चुका है, और यहाँ सेकंड गेम चल रहा है। गाइस, तो आज हमारा डे टू है बूंदी में, और अभी हम जा रहे हैं जो बूंदी फोर्ट है वहाँ पे। और ब्रेकफास्ट का भी देखना है, तो अभी देखते हैं उसके आसपास कुछ मिलता है तो ब्रेकफास्ट करेंगे। और हमें आज एक टिकट भी करना है तत्काल टिकट, तो वो भी 10 बजे के आसपास हमको देखना पड़ेगा टिकट।
कर रहे हैं, ये कचौरी समोसा। तो गाइस कैश हमारे पास थोड़ा ख़त्म हो गया और बूंदी में सिर्फ कैश ही चलता है, कार्ड कहीं नहीं चलता है, तो आप लोग कैश एक्स्ट्रा लेके आना, तो मैं भी एटीएम जा रहा हूँ रुपए निकालने। निकल गए पैसे? सो के नोट तो नहीं दे तो 500 के नोट और 2000 का नोट निकला है। तो गाइस ये टिकट है 80 रुपये फॉर इंडियन, दो घंटे के लिए है ये। अरे विजिटर ये और ऑन रेस समझ नहीं आया एक्चुअली, बट ठीक है। तो गाइस अभी हम चित्रशाला से निकल के वापस जा रहे हैं, ब्रंच करेंगे। चित्रशाला गढ़ पैलेस के अंदर है और यहाँ पे ये गवर्नमेंट रन है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं वॉल पे, सीलिंग्स पे। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो प्राइवेटली रन होता है, उसके लिए टिकट लगती है। और वहाँ पे हाथी पोल और बादल महल ऐसे करके 2-4 पैलेसेस हैं छोटे छोटे, वो देखे जा सकते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा खाने आ गए हैं और सुबह कचौरी इतनी खा नहीं पाए थे, तो अभी थोड़ा प्रॉपर खा लें। तो गाइस अभी बस ये सब चीज़ें हमने लिख के रखी थी क्या क्या घूमना है, और इसमें से जो हमारे स्टे के आसपास चीज़ें थी तो करीबन 6-7 प्लेसेस हमने घूम ली है। एक्चुअली मेजरली सारी प्लेस एक पैलेस के अंदर ही थी तो वो अच्छा था। अभी एक एरिया है ये जो सूखा महल है, जय सागर, ये एक एरिया है, और एक एरिया है रानी जी की बावरी, और ये 84 खम्भों की छतरी, ये एक दो चीज़ें बची हुई हैं। अभी हम जा रहे हैं सुख महल, ये हमने टिकट लिया है